2017 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रेक्टिंग एंगल 10 मेड ऑफ द ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.42 दिस प्रिज्म कंबाइंड ऑफ द अनदर थिन प्रिज्म ऑफ द ग्लास रिफ्रेक्टिव 1.7 कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द हां डेवी सो सिंपल क्या बोला डेविएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए डेविएशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ए म्यू 1 माइनस 1 का रिलेशन जो दोनों का रिलेशन जो होगा इक्वल टू होगा डायरेक्टली समझ लो तो क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली एक एक लाइन में आंसर अगर मुझे एक लाइन में करना हो तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली म्यू माइनस 1 इनटू पहले का ए इक्वल टू दूसरे का म्यू डैश माइनस 1 उसका ए डैश ठीक है अब इसको इसको वैल्यू पुट कर देंगे कितने हैं पहले का कितना 1.41 1.42 माइनस 1 ए की वैल्यू कितना दे रखा है ए की वैल्यू 10 डिग्री इक्वल टू म्यू 2 कितना दे रखा है म्यू 2 दे रखा है 1.7 वो भी पुट कर दें 1.7 माइनस 1 हाँ पूछ क्या रखा है ए की वैल्यू ए डैश की वैल्यू कौन सा बड़ का बात कर दिया ए डैश की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली सॉल्व करिए इसको कितना हुआ ये आपका हुआ 0.42 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 हो गया है आपका ये 4.2 इक्वल टू ए हुआ 0.7 तो 0.7 से ए हुआ 0.7 ए पॉइंट से पॉइंट उड़ गया ठीक है पॉइंट से पॉइंट उड़ा कितना ए की वैल्यू कितनी आई 42 डिवाइड बाय 7 ठीक है 7 के टेबल में 42 आता है क्या आता है बिल्कुल कितनी बार में 6 टर्म में तो एंगल ए की वैल्यू कितनी ए डैश सॉरी ए नहीं ए डैश है ए डैश है तो ए डैश की वैल्यू कितनी आई 6 डिग्री क्या है ये क्वेश्चन है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ओके चलो चलो बाय अच्छी बात है